Hello, everyone. This is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So, without wasting any time, let's start our video. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टॉपिक ऑफ ग्राफ एंड द क्वेश्चन इज इम्प्लीमेंट द डी एफ एस एलगोरिज्मे वी एव इम्प्लीमेंटेड बी एफ एस एलगोरिज्म एंड टूड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डी एफ एस एलगोरिज्म तो डी एफ एस मीन्स डेप फर्स्ट सर्च ठीक है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या मतलब होता है वो समझते हैं हम लोग तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है डी एफ एस ठीक है तो so बेसिकली यहाँ पर डी का मतलब होता है फर्स्ट एस मतलब सर्च तो बेसिकली हम लोग ट्री में जब किए हुए हैं तो ट्री में जो आपका जो ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स थे कौन होते थे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल इन ऑर्डर ट्राइवर्सल बट यहाँ ग्राफ में हम लोग के पास टू टाइप्स के ट्रैवर्सल एलगोरिदम्स है जो है ब्रेथ फॉर सर्च एंड देर सर्च ठीक है तो तुम तो तो वहाँ ट्रैवर्सल करने में हेल्प करता है तो जब यहाँ पर डी एफ एस हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो डी एफ एस का डी बोले तो डेप्थ तो डेप्थ मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी अंदर एकदम डेप्थ में चले जाना कोई भी चीज़ के अंदर तो बेसिकली यहाँ पर इस डेप्थ वर्ड से जब हम लोग जब ग्राफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पर डी का जो डेप्थ वर्ड है उसका भी कुछ वैसा ही कुछ मीनिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन में मैं इस ये जो यहाँ ग्राफ बनाया हूँ यहाँ पर मैं आपको लोग एग्जाम्पल देखाऊँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ठीक है तो ज़ीरो से स्टार्ट किया ठीक है, है तो अब देखो ज़ीरो के एडजेसेंट तो पहले यहाँ पर हम हम लोग एजेंसी लिस्ट बना लेते हैं इसके हमेशा क्या क्या करो एजेंसी लिस्ट बना लिया करो तो जीरो के एडजस्टेंस कौन है वन है है एंड फोर है फिर आते हैं हम लोग वन में तो वन का एडजस्ट कौन है सिर्फ जीरो फोर का एडजस्ट कौन है जीरो है एंड थ्री है ठीक है जीरो का एडजस्ट जीरो एंड थ्री है तो पहले हम लोग एडजस्टेंट सारे को एडजेंसी लिस्ट बना लिए अब यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो जीरो का एडजस्टेंट हम लोग मानते हैं पहले हम लोग फोर की तरफ गए ठीक है ठीक है तो हमारा आंसर देखो कैसे होगा पहले तो जीरो आंसर में आ गया क्योंकि जीरो फर्स्ट विजिट हुआ अब मैं यहाँ पर क्या बोला डी बोले तो डेप्थ तो हम लोग क्या करेंगे जो भी नोट को पकड़े उसका जो भी चाइल्ड नोड है फिर वहां से हम लोग पूरे डेप्थ में चल जाएंगे और हम लोग कब तक डेप्थ में जाएंगे दो पॉसिबिलिटी है वाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज डैट इफ इट इज़ अ लीफ नोड तब हम लोग वहां रुकेंगे और इफ़ इट इज कनेक्टेड टू अ विजिटेड नोड ठीक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे ठीक है तो दो कंडीशन समझ जाओ फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ आवर लास्ट नोड इज़ अ लीफ नोड मतलब जो हम लोग जहां तक पहुंचे वो लीफ नोड मिल गया तब तो वहां से आगे नहीं जा सकते हम लोग और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इफ़ दैट नोड इज कनेक्टेड विद अ विजिटेड नोड देन ऑल्सो वी के नॉट फर्दर प्रोसीड ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो आ गया ज़ीरो uh, का जो आपका चाइल्ड नोड है कौन है फर्स्ट चाइल्ड नोड फोर वन फोर वन टू फोर तीनों ही है बट मैं फोर से बार दिखा रहा हूँ ठीक है तो जीरो से हम लोग फोर की तरफ गए अब देखो हम लोग फोर से वापस नहीं जाएंगे बी एफ एस में क्या था वापस आ जा रहे थे हम लोग ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे वापस नहीं फोर को फिर एक्सप्लोर करो फोर को एक्सप्लोर किए अब थ्री मिला हम लोग को अब थ्री को एक्सप्लोर करो अब देखो थ्री को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दो कंडीशन क्या बताया था लीफ नोड और इट इज कनेक्टेड टू अ विजिटेड नोड तो देखो थ्री इज अ लीफ नोड तो देखो यहाँ पर थ्री जब लीफ नोड है तो और नहीं कर सकते तो हम लोग बैक जाएंगे थ्री से वापस हम लोग फोर की तरफ आ गए फोर से वापस हम लोग जीरो की तरफ आ गए अब जीरो कहाँ जाएगा टू के तरफ जाएगा तो टू की तरफ आया तो टू को हम लोग प्रिंट किए अब देखो टू भी एक लीफ नोड मिल गया तो उसका कि एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता वापस जीरो में आए अब जीरो से वापस हम लोग वन के तरफ गए तो यहाँ वन डाल दिया ठीक है अब वन एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता तो वन से वापस हम लोग जीरो में आ गए अब हमारा ट्रैवर्सल ओवर हो चुका है तो दिस इज़ आवर वन ऑफ द आंसर देखो डीएफएस जो है हमारा आंसर बहुत बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कोई कोई पर्टिकुलर फिक्स आंसर नहीं है इट ऑल डिपेंड अपॉन योर एजेंसी लिस्ट तुम एजेंसी लिस्ट में आंसर वैल्यूज uh, कैसे स्टोर किए हो यहाँ पर जैसे देख लो जीरो में फर्स्ट uh, फर्स्ट uh, सबसे पहले वन स्टोर किया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग वन को एक्सप्लोर करने जाएंगे फिर टू किया हुआ है तो टू को एक्सप्लोर करेंगे फिर फोर किया हुआ है फिर फोर को एक्सप्लोर करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो के संग कनेक्शन कुछ इस टाइप का रहा था जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ट्रैवर्सल किए फर्स्ट ऑफ ऑल फोर रहा था फिर टू रहा था फिर वन मतलब जीरो का जो एजेंसी लिस्ट है वहाँ पर

तो बस यहाँ पर दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है डी एफ एस बोला गया है डी का मतलब हो गया डेप्थ तो ऑलवेज गो टू डेप्थ ऑफ एवरी नोड एंड ट्राई टू एक्सप्लोर दैट एंड यू हैव टू स्टॉप वेन देर आर टू कंडीशन फर्स्ट दिस इज वैन दैट नोड इज अ लीफ नोड देन यू कैन नॉट फर्दर एक्सप्लोर ओके एंड द सेकेंड पॉइंट इज इफ दैट नोड इज कनेक्टेड विथ अ विजिटेड नोड अगर कोई विजिटेड नोड से कनेक्टेड है देन वी कैनॉट एक्सप्लोर फर्दर एंड वी हैव टू रिटर्न बैक तब तो वो जो विजिट वाला मैं बात जो बोल रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं कि थ्री टू एंड वन ऑल आर लीफ नोड तो ये कंडीशन समझ आ रहा है हमें बट द सेकेंड कंडीशन विच आई टोल्ड द कंडीशन वॉज एवरी द नोड विच इज कनेक्टेड टू अ विजिटेड नोड देन वी के नॉट फर्दर प्रोसीड तो वो वाला एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं ये नीचे वाले एग्जाम्पल में तो यहाँ मैं बना रखा हूँ यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ जीरो से ही ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आंसर में जीरो आ जाएगा जीरो हुआ मैं क्या किया जीरो से पहले मैं थ्री की तरफ जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल जीरो का जो एजेंसी लिस्ट वहाँ पहले थ्री था, ठीक है तुम्हारे एजेंसी लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा अंदर की तरफ जाते रहो अब थ्री से नेक्स्ट क्या मिला हमें फोर मिला तो हम लोग क्या किया फोर की तरफ गए फिर एक्सप्लोर फोर से नेक्स्ट क्या मिला हम लोग को टू मिला तो हम लोग टू के तरफ गए ठीक है अब हम लोग का जो टू मिला

देख रहा हूं जीरो के संग कनेक्टेड हूं वन देख रहा है कि मैं जीरो के संग कनेक्टेड हूं और जीरो इज ऑलरेडी विजिटेड तो मतलब जीरो को वो नहीं प्रिंट कर सकता प्रिंट नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा वापस आना स्टार्ट कर देगा दो केस बता चुका हूं यहां पर फर्स्ट केस तो लीफ वाला देख लिया हम लोग ये सेकंड केस कि विजिटेड नोट से कनेक्टेड है अब वन देखेगा कि मैं और आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकता मुझे वापस आना है तो वन क्या होगा वापस आने लगेगा तो वन जीरो को छोड़ के वापस टू के तरफ आया बट हम लोग टू की तरफ आए बट टू अभी क्या देख रहा है मेरे पास और एक रास्ता है एक्सप्लोर करने का क्योंकि मैं क्या बोला हम लोग नीचे की तरफ आएंगे एक्सप्लोर करते हुए जाते 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 लास्ट तक जाएंगे और फिर वापस की तरफ आएंगे ठीक है अब टू देख रहे हैं मेरे पास और एक रास्ता एक्सप्लोर करने का टू क्या करेगा सिक्स की तरफ चल जाएगा तो यहाँ से सिक्स आंसर हो गया सिक्स क्या करेगा वो फाइव की तरफ चल जाएगा और एक्सप्लोर करेगा फाइव आंसर हो गया एंड नाउ अगेन फाइव नाउ इज कनेक्टेड विद ज़ीरो और जीरो इज आवर विजिटेड नोड ज़ीरो को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो फाइव देखेगा और मैं आगे जा ही नहीं सकता बिकॉज आगे एक विजिटेड रोड मिल चुका है वो वापस आने का कोशिश करेगा फाइव वापस आया सिक्स देखा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास वो वापस आएगा अब तो टू के पास दो रास्ते थे दोनों वो आइट मतलब एक्सप्लोर कर चुका है टू वापस आएगा फोर का कोई रास्ता नहीं वापस आया इसका कोई रास्ता नहीं वापस आया अब जीरो यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो बेसिकली हम लोग का ये पूरा आइट्रेशन हो चुका है और हमारा आंसर ये आ रहा है जीरो थ्री फोर टू वन सिक्स फाइव ओके मैं आपको क्या बोला कि इसका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इट ऑल डिपेंड अपॉन योर एजेंसी लिस्ट कि तुम एजेंसी लिस्ट में कैसे स्टोर किए हो वैल्यूज तुम्हारा जो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगा उसके हिसाब से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा तो दिस इज आवर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ठीक है तो चलो इसका हम लोग इंट्यूशन uh, समझ इंट्यूशन uh, तुम लोगों को समझ आएगा कि मतलब डी हो क्या आ रहा है तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो हम लोग का आ, मैं यहाँ पर गया डी एफ एस ऑफ अ ग्राफ ठीक है तो इसका वो जो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ था यहाँ पर यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ था इस पर हम लोग जाएंगे तो वो एक आर्टिकल की तरफ हम लोग को रिडायरेक्ट कर देगा बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन अवेलेबल है प्रैक्टिस साइट में इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तुम लोग यहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो तो डी एफ एस ऑफ अ ग्राफ तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा सेम है ठीक है तो यहाँ पर आते हैं इसका ये क्वेश्चन है ठीक है तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इसको करना कैसे ठीक है तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को क्या बताया चलो यहाँ पर एक बार ये वाला क्वेश्चन को आइट्रेट कर देता हूँ यहाँ पर हम लोग एक बार मैं पूरा यहाँ पर मिटा रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर जैसे पहले कोड दिखाता हूँ फिर आइट्रेट करता हूँ तो समझ आ जाएगा देखो कोड में क्या हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये फंक्शन हमें गिवेन था जिसमें हमें वी नंबर ऑफ वटेक्स गिवेन है एंड एजेंसी मैट एजेंसी लिस्ट गिवेन है ठीक है देखो यहाँ पर वेक्टर है और यहाँ पर ADJ एजेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका वी नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेक्टर वी ले लिया हूँ जिसमें मुझे आंसर रिटर्न करना है इसलिए मैं यहाँ बार बार क्लियर कर दे रहा हूँ हो सके टेस्ट केस वाला क्वेश्चन हो कि मुझे तो पता नहीं टेस्ट केस है कि नहीं इसमें इसमें मैं वी को क्लियर कर दे रहा हूँ अब आते हैं यहाँ पर हम लोग विजिटेड वैक्टर लेंगे एक जिसका साइज वी का होगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे फंक्शन में भेजेंगे जीरो मीन्स जीरो नोट्स स्टार्ट कर एक्सप्लोरेशन करना विजिटेड वैक्टर एंड एजेंसी लिस्ट ठीक है और फिर यहाँ रिटर्न कर देंगे वी जो हमारा आंसर आएगा अब यहाँ पर आ जाओ इस फंक्शन में बेसिक सा छोटा सा फंक्शन है यहाँ पर ये डी एफ एस सी फंक्शन है तो यहाँ पर एंड सोर्स वही सोर्स नोड हो गया मतलब जीरो ये विजिटेड वेक्टर और ये हो गया हमारा ग्राफ जो गिवन एजेंसी लिस्ट ठीक है मैं विजिटेड को यहाँ पर एम्परसेंड करके भेज रहा हूँ बिकॉज वी हैव टू अपडेट विजिटेड वेक्टर इन एवरी स्टैक फ्रेम ठीक है तो अब यहाँ पर आ जाओ जैसे हमारा फर्स्ट नोड मिला ठीक है हम लोग क्या किए उसको विजिटेड कर दिए फाइन उसको क्या किया हम लोग हमारे जो वी वेक्टर था आंसर वेक्टर उसमें पुश कर दिए नाउ वी आर आइट्रेटिंग इन इट्स एडजसी वैल्यूज मतलब जो हमारा जो ये एस आर सी था उसके जितने भी एडजशन एलिमेंट थे हम लोग उसको उसका फॉरलुप चला दिए ठीक है फॉरलुप चला दिए उसमें अब तो एक्स में हमारा क्या होगा एडजस्टन एलिमेंट्स आ जाएंगे हर एक ये एस आर सी जो नोट था हमारा उसका एडजस्टन एलिमेंट्स एक्स में आते जाएगा चेक करेंगे इफ इट्स नॉट विजिटेड अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसको उस आ, फिर से वहां से रिकर्शन भेज देंगे बेसिकली एक्स विजिटेड नहीं है ना अब हम लोग का सोर्स नोट क्या हो गया एक्स विजिटेड और ग्राफ ठीक है तो इसको हम लोग यहाँ पर देखो कोड तुम लोग देख चुके हो यहाँ पर अब इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर देखो हम लोग ये एग्जाम्पल को आइट्रेट करने वाले हैं विद दिस कोड इस कोड के साथ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए थे ये हमारा एजेंसी लिस्ट है यहाँ पर ये यह हमारा विजिटेड वेक्टर और ये हमारा जो वहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर सोर्स सोर्स नोड विजिटेड एंड ग्राफ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सोर्स नोड नीचे से क्या पास की थी जीरो तो पहले क्या आएगा जीरो मिलेगा हम लोग को ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं विजिटेड ऑफ जीरो एस आर सी को वन एस आर सी जीरो था इसको हम लोग क्या कर दिए वन ठीक है वी डॉट पुशबैक एस आर सी तो हमारा वी बेसिकली आंसर वेक्टर है तो आंसर में क्या घुस जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो तो हम लोग आंसर में क्या किए ज़ीरो डाल दिए अब फॉलू चलाएं ऑटो एक्स ग्राफ ऑफ एस आर सी तो एक्स में क्या होगा जो एस आर सी है उसके एडजस्टन एलिमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे तो पहले यहाँ पर क्या आएगा इस यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वन आ रहा होगा ठीक है तो हम लोग क्या किए वन आ रहा है चेक कर रहे हैं क्या वन नॉट विजिटेड है या इट्स नॉट विजिटेड क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में सब जीरो रहेंगे यहाँ पर तो ये नॉट विजिटेड है तो यहाँ पर क्या किया हम लोग फिर से फंक्शन में वन के साथ भेज दिए तो फिर ऊपर आया अब विजिटेड और वन को हम लोग वन कर दिए ठीक है और वी डॉट पुशबैक एस आर सी तो आंसर में लो वन को भी पुश कर दिया फिर वन, चलाएंगे? तो वन का एडजेसेंट कौन है जीरो है और हम लोग फिर यहाँ पर क्या चेक किए इफ ऑफ एक्स बट जीरो पर तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फंक्शन नहीं भेजेंगे हम लोग बेसिकली वन क्या होगा वापस चल जाएगा हमारा जो प्रीवियस टैग फ्रेम था वहां से वापस जीरो की तरफ चला गया अब जीरो का जो नेक्स्ट कौन था टू था तब 2 की तरफ गया 0 ठीक है 2 का विजिटेड को वन किया हम लोग अब आंसर में 2 को पुश किया अब हम लोग फॉलोअप चलाए 2 के एडजेसेंट एलिमेंट्स में तो 2 के एडजेसेंट कौन था 0 तो क्या 0 विजिटेड है या इट्स विजिटेड है तो विजिटेड है तो हम लोग इफ इफ लूप में नहीं जाएंगे तो 0 2 क्या करेगा ये भी वापस 0 में वापस आ जाएगा मतलब अपने स्टैक फ्रेम से वापस बाहर निकल के आ जाएगा ठीक है अब हम लोग जीरो से फोर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहां पर नेक्स्ट जीरो में फोर स्टोर था ठीक है तो हम लोग फोर में जीरो है तो हम लोग क्या यहां पर चेक किए क्या विजिटेड है तो इसी लूप में नहीं किया तो फिर फॉर लूप तो चलेगा ही ना नेक्स्ट एडजेसेंट के लिए तो फोर का नेक्स्ट एडजेसेंट कौन है अब अब वन है तो अब हम लोग फिर से यहाँ इफ़ चेकिंग चेक करेंगे क्या नॉट विजिटेड ऑफ वन तो वन तो फिर से विजिटेड है मतलब फिर से हम लोग वापस फॉर लूप में आ जाएंगे इफ़ लूप में नहीं जाएगा अब फोर कनेक्श एलिमेंट कौन है एडजेसेंट थ्री तो थ्री के संग कंपेयर किया तो क्या थ्री इज विजिटेड थ्री विजिटेड है नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शन को थ्री में सेंड कर देंगे तो फिर यहाँ पर थ्री पे चला गया तो हमारा अच्छा यहाँ पर हम लोग फोर अपना आंसर में लिखे नहीं थे फोर यहाँ पर आ चुका था ठीक है तो हम लोग यहाँ पर थ्री पे भेज दिए फिर से चेक करो फिर से विजिटेड और थ्री को वन कर दो कर दिए अब हम लोग क्या किए डॉट पुशबैक थ्री तो यहाँ पर हमारा आंसर में थ्री पुशबैक भी हो गया अब हमारा लुक चला रहे हैं हम लोग थ्री के एडजेसेंट्स में तो थ्री के एडजेसेंट कौन है यहाँ पर सिर्फ फोर है बट फोर और विजिटेड हो चुका है तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या फोर विजिटेड नहीं है क्या तो फोर तो विजिटेड है तो इस इफ लुक में हम लोग नहीं गए तो ये वापस बैक आएगा तो थ्री अपने फोर की तरफ बैक आया अब फोर का भी तो फोर लूप खत्म हो चुका है कि सारे एलिमेंट्स को वो कर चुका है अपने का। तो फाइनली तो 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 हमारा आंसर ये वाला हो गया तो चलो तुम लोगों को तो चलो हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन को सबमिट करके देख लेते हैं एक बार तो ये रहा हमारा सोल्यूशन जो हम मैं आपको पहले दिखा चुका हूं और यहाँ पर सही होने वाला है तो इस देख लो यहाँ पर हमारा इसका आंसर सही हो चुका है तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है आपका ऑर्डर ऑफ वी ऑर्डर ऑफ वी क्यों हो रहा है क्योंकि स्टैक फ्रेम का साइज सा, को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वी नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम बनेंगे और ईच एंड एवरी नोट के लिए ओके और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वी प्लस ई जैसे हम लोग एजेंसी लिस्ट में कल देखे थे कि जिस तरह आइट्रेशन हो रहा था तो वी प्लस ई लग रहा था बेसिकली यहां पर हम लोग एजेंसी लिस्ट को ही आइट्रेट कर रहे हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ वी क्योंकि हम लोग का जो स्टैक